12 नवंबर से टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का काम अब आखिरी चरण में है। इसी पाइप की मदद से मजदूरों को ऐसे ही बाहर लाया जाएगा। ये एक डेमो है, देखिए आप इस वीडियो को। कुछ इसी तरह से मजदूरों को पाइप के सहारे से बाहर लाया जाएगा। इस टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए विज्ञान के साथ साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। टनल में फंसे लोगों के लिए यहाँ के स्थानीय निवासी भी प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग भी मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं? ये कर रहेगी बस बाहर आ जाएं बस। अच्छा, जिंदा आ जाएं बाहर बस। यही पूजा आप सब लोग करते हो? सब करते हैं। अच्छा, ये आप लोग यहाँ के स्थानीय आदमी हैं? स्थानीय आदमी है। ठीक है, आजकल देख रहे हैं कि महिलाएं भी मंदिर में आकर पूजा पाठ कर रही हैं, आप लोग भी मंदिर आ जा रहे हो, ये नित्य का क्रिया है या आजकल ज्यादा भगवान में आस्था बढ़ा है? नहीं, आजकल तो आस्था तो पहले से है, पर आजकल ये लोग फंसे हुए तो सब लोग देखने के लिए आ रहे हैं और उनके लिए दुआ करने भी आ रहे हैं, बस यही है। तो माता जी, जो ऊपर वासुकीनाथ देवता का मंदिर है, ऊपर गए पूजा करने? हाँ, गए जी, वहीं से आ रहे हैं। उस ऊपर मंदिर से आ रहे हो? आ रहे हैं। वहाँ तक जाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं पैदल? क्या कहना है, पैदल तो जाना पड़ता है। अच्छा, एक दिन में जाते हैं? एक दिन पूरा जाने में लगा? जाने में लगा। और वहाँ से फिर आए? आए, बिल्कुल। अच्छा, वहाँ गए तो वहाँ क्या भगवान के मंदिर में रोज जाते हैं, कोई ना कोई पूजा करते? कोई ना कोई जाते हैं। जाते हैं, आप गए? इस गांव में तो उसका मंदिर ही है। क्या कहा आपने भगवान से? ये कहा कि बाहर निकल जाए बस। आजकल सबके मन में एक ही सवाल रहता है कि जल्दी लोग निकले। क्या पूजा पाठ किया? वही भगवान से दुआ कर मजदूर बाहर निकल जाए, सही सलामत निकल जाए। क्षेत्र में वासुकीनाथ का ही प्रभाव है? हाँ, वही प्रभाव, सबके कुल देवता वही है। हाँ, वही है।